बांसवाड़ा शहर में अलग से एट्रोसिटी कोड की मांग को लेकर बार एसोसिएशन के सदस्यों ने मंत्री अर्जुन बामनिया से विस्तार से चर्चा की। हमें ये अच्छी तरह बात को मालूम है, जब किसी हम किसी नेता या बड़े आदमी कई बार उनसे टाइम लेना और कई बार उसमें ये है, आपका खुशी है, आप कई बार बाहर में बना रहे, कई बार विधायक बन चुके हैं, आप मंत्री हैं, तो मेरा ये है कि साहब आप कई बार बना रहे तो हमारी बातों को आपको सामने रखना बहुत जरूरी है। ऐसी है कि आप कई समस्या है यहाँ पर, एस सी एस टी का न्याय में हर जगह अलग है, हर जिले में, पूरे राजस्थान में, कहीं बांसवाड़ा में, इसके लिए मैंने ज्ञापन वो और वापस आते समय दोनों नींद में जोग रहे थे तो आगे वाले बात कर रहे थे बेगामड़िया हुई क्या। और उस समय में 11th का स्टूडेंट था, आपसे संपर्क हुआ उस समय में 7th का स्टूडेंट था, तो आपका और मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। मुझे एक तो हमारे जिला बार एसोसिएशन बांसवाड़ा की ये मांग है कि बांसवाड़ा जिले में एट्रोसिटी कोड अलग से नहीं है, एट्रोसिटी कोड हर दूसरे जिलों में हर जगह सेपरेट है और बांसवाड़े में नहीं है, तो एक तो एट्रोसिटी कोड खोली जाए, दूसरी एनआई एक्ट की एक न्यायालय है एनआई एक्ट का अलग से, तीसरी कॉमर्शियल कोर्ट जो कि यहाँ अमुक जो राशि तक के दावे यहाँ होते हैं, बाकी उद्योगपुर होते हैं तो वो लोगों को परेशानी होती है, तो उसके लिए भी जो जो कोर्ट बांसवाड़े में खोली जावे, और एसीडी कोर्ट एंटी करप्शन की न्यायालय भी जो डूंगरपुर में है तो बांसवाड़े में भी होना चाहिए। एक अपने नए भवन जो कोर्ट का नया भवन बन रहा है उसमें अधिवक्ताओं के चैम्बर के लिए, चैम्बर के लिए बजट नहीं है, तो बजट गवर्नमेंट से आवंटित किया जावे और जो है चैम्बर का निर्माण किया जावे और उनको जो उनकी जो राशि टीएडी विभाग से जो भी राशि मिलती हो तो 1 करोड़ वो अलग से हमको दिए जावे, इसके लिए मंत्री जी को हमने निवेदन किया है। और दूसरी जो समस्या थी वो भी हमने लिखित में दे दी है। नंदलाल पुरोहित।